हेलो फ्रेंड, ये सुधीर चैनल है और हमारे सामने लेनोवा का G57 लैपटॉप है। हम पहले इसके हार्ड डिस्क बदलते हुए आपको दिखाएंगे। ये हमारी हार्ड डिस्क है और हम हाइब्रिड हार्ड डिस्क लगाएंगे। तो हम इसको पहले खोलेंगे, बैटरी अलग करेंगे इसकी। ये देखिए वीडियो में कैसे बैटरी करना, सिंपल सा। यहाँ पर ये सेटिंग करनी है कि ये अनलॉक करके और यहाँ से इधर होगा, इससे ये दबा के यूँ करके, और ये हम बैटरी हटा देंगे आराम से, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। और ये इसका कवर है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी है कि यहाँ पे मेमोरी और हार्ड डिस्क बदलने का यहाँ पे सिग्नल भी दिया हुआ है। तो ये हम इसके सारे नट्स खोल देंगे। तो आप बड़ी आसानी से अपने घर में जो है लैपटॉप की हार्ड डिस्क बदल सकते हैं, या आप किसी प्रोफेशनल से भी करवा सकते हैं। बस आपने ये बैक कवर हटाना, और हर एक लैपटॉप का तरीका बिल्कुल अलग होता और डिज़ाइन अलग होता। बस ये तरीका होता कि ये हमारी ये साटा हार्ड डिस्क है, ये हमने लगानी। हम इसको खोलेंगे, इसका स्पेशल पेचकस आता है, और ध्यान से कोई फोर्सफुली आपने कोई भी प्रेशर नहीं लगाना, जिससे कि ये आपका बैक कवर टूट जाए। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मगर आप धीरे धीरे एक बार आप कर लेंगे तो आपको फिर हैबिट हो जाएगी हार्ड डिस्क चेंज करने की। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कई बार ये नट्स निकलते नहीं, और ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान से खोलना। ये देखिए हमने खोल दिया और ये हमारा कवर हट गया, और ये हम लैपटॉप हटाएंगे। ये देखिए ये लैपटॉप है, और ये स्लॉट जो है DDR3 रैम की, और ये CPU फैन है, और ये आप ये सामने जो है बैक कवर खोला। ये हमने देखिए जैसे इसे खोलना होता है, खींचना होता है, जैसे आप बहुत सिंपल सा तरीका है। और ये हम ये स्पोर्ट कवर हटाएंगे लेनोवा का। तो ये आपको हम बता रहे हैं लेनोवा का लैपटॉप है, G570 है, क्योंकि आजकल ये लेटेस्ट मॉड सीरीज़ है। तो आजकल जैसे हाइब्रिड हार्ड डिस्क का ज़माना है और सॉलिड ड्राइव का, तो आपको पुरानी हार्ड डिस्क आपको अपग्रेड करनी पड़ सकती है। और इसीलिए जो है आप कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई सर्विस सेंटर ना हो, कोई आपके पास कोई नज़दीक कोई कंप्यूटर सेंटर ना हो, तो आपको ये थोड़े बहुत लैपटॉप के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आपने लैपटॉप का बैक कवर खोलना है। ये हम इसका ये कवर हटाएंगे। लेनोवा के जो लैपटॉप होते हैं उनका डिज़ाइन जो है बिल्कुल सेम होता है, इनमें एक स्पोर्टिंग कवर लगा होता है हार्ड डिस्क के नीचे, ताकि जो है वो अर्थिंग ना करें। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया है लेनोवा के लैपटॉप में, जैसे हमारे पास पहले 10 साल से हम इस्तेमाल कर रहे थे, उससे काफ़ी बेटर है ये G57 सीरीज़। ये हमने हटा दिया पुरानी हार्ड डिस्क, तो इन्होंने VD की इस्तेमाल करके दी स्कॉर्पियो ब्लू, और ये हम आप सीगेट की हाइब्रिड हार्ड डिस्क लगा रहे हैं 1 TB। और ये देखिए आप कैसे हमने लगाना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये हमने ये कवरिंग इसमें लगा देनी, और ये देखिए मैं इसको हाथ से सेट कर देना, और ये फिर नट लगा देना। और ये नट्स जो है आपको बहुत ध्यान से संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि ये नट्स अगर थोड़े से भी मिसप्लेस हो गए या इधर उधर हो गए तो अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर आपको किसी शॉप से ही अरेंज मिलेंगे। और ये थोड़ा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगाने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें तो आपको आसानी से नट्स खोल सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं, जबकि लैपटॉप में थोड़ा सा ये बारीक काम होता है, थोड़ा सा माइनर काम होता है। तो बड़ी केयरफुली हमने लगाना। ये देखिए आप कैसे हमने हार्ड डिस्क लगानी। ये देखिए जस्ट ये डाला उल्टी तरफ, और ये हमने लॉक कर देंगे। ये देखिए एक बार और करके दिखाओ, बैक करके ये जैसे बैक किया, और हम वापस आगे तरफ लगा देंगे, पुश कर देंगे आगे की तरफ, और ये लग गई। और ये हम नट्स लगा रहे हैं। तो ये नट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नट्स ना हो तो ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो है इधर उधर हिल सकती है। और ये हम बैक कवर, इसमें रैम कैसे निकालना है एक बार वही बता दूँ। ये देखिए अब रैम का ये हमने किया, और ये फिर हम दोबारा वापस लगा दें। बहुत ईजी है लैपटॉप में लगाना। जैसे हमने ये निकाला, और ये 90 डिग्री से करीब से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जो
जो है ध्यान से लगाना होगा। ये हमने कर दिया और ये हम बैक कवर वापस लगा देंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये इनके नट जो है निकलते ही नहीं, तो आप जो कि इस तरह से बैक कवर ही है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है लैपटॉप से आता ना, और आपको पता होना चाहिए कौन से हिस्से में रैम बदली जाएगी और हार्ड डिस्क बदली जाएगी। और ये हम बैक कवर वापस लगा रहे हैं और इसका जो पेचकस भी जो है थोड़ा स्पेशल होता है, तो आपके पास ये पेचकस भी होने चाहिए। और ये जो है हमने लगभग लगा दिया और थोड़ा स्ट्रेचिंग करके और हम बैटरी लगाएंगे। तो आप बैटरी भी देख लीजिए जी कैसे लगानी है इसमें। ये हमने डाला और ये थोड़ा सा प्रेस कर दिया और ये हमारी बैटरी भी डल गई। और हम अपना लैपटॉप चला कर देखेंगे कि इज इट वर्किंग इन कंडीशन और नॉट। और हम अपनी हार्ड डिस्क रैम चेक करेंगे। ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये देखिए 1 TB साटा HD अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो, और साटा ODD जो है आपकी DVD रैम। और रैम चेक करनी हो तो रैम तो सर वहाँ से चेक होगी ना, विंडो के अंदर जाके यहाँ से मेमोरी। और ये हमारी रैम है सिस्टम नंबर 4।